चलिए इस पार्ट में हम लोग परसेंटेज को और आगे लेकर चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई, बाद में उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। बोलता है कि चलो तुम्हारा 10% इस महीने से वेतन कम हो गया करके, ठीक है। फिर उसको दुख होता है, फिर उसको बोलते हैं नहीं चलो ठीक है इस महीने से 10% तुम्हारा वेतन जो है बढ़ा देंगे। अब उसका वेतन पहले के वेतन से कितना अधिक या कम है, तो क्या जो है इफेक्ट आया है वो बताना है। नितिन सैलरी वॉज रिड्यूस बाई 10% एंड लेटर इट वॉज इंक्रीज बाई 10%। हाउ मच हिज सैलरी इज मोर और लेस देन द प्रीवियस सैलरी। ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, कभी भी ऐसा केस आएगा कि जब उतने ही परसेंटेज डिक्रीज और उतने ही परसेंटेज इंक्रीज, पहले डिक्रीज करे या इंक्रीज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना ही उतना, जैसे 10% बढ़ रहा है तो 10% घट रहा है, 20% बढ़ रहा है तो 20% घट रहा है। ऐसी स्थिति में सीधा सीधा जो चेंज आएगा वो x square by 100 हमेशा कमी आएगा जब सेम चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो यहां पर 10% की बात किया है, तो 10 square by 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100 by 100 हो जाएगा, ये 1 पूरा जीरो नहीं होगा ना, ये 1 आएगा, 1% हमेशा क्या होगा वो हमें कमी, ये हो जाएगा कम, हमेशा ऐसी स्थिति में कमी होगी। और कितने परसेंट की कमी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका परसेंटेज क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से ऐसा निकाल सकते हो, एक और है इसी में है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये दोनों चीज इसमें काम आएगा, ये दोनों दोनों परसेंटेज है, घट रहा है बढ़ रहा वाला परसेंटेज है, ठीक है। देखो कैसे काम आएगा, ए बी बी दोनों यहां पे 10 है, 10 बढ़ रहा है 10 घट रहा है, 10 बढ़ रहा है 10 घट रहा है, तो 10 माइनस 10, यहां प्लस लगा लेता हूं मैं, 10 बढ़ रहा है और दूसरा वाला 10 घट रहा है, ये ऐसा, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये प्लस, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस माइनस है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं, यहां से आ जाएगा ये 1% डिक्रीज या -1% चेंज, तो वही आ जाएगा 1% डिक्रीज। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। मैं इस तरीके को इसलिए बता रहा हूं कि आप बहुत सारा ट्रिक याद करते करते बाद में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये जो है बार बार काम आएगा, तो इस तरीके को आप यूज ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये कब काम आएगा, जब अलग अलग दिया हो, अभी तो सेम दिया है तो वही इसको भी यूज कर सकते हैं, सेम दिया तो, लेकिन जब अलग अलग दिया रहेगा तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर, टैक्स जो है वाटर टैक्स है, वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। क्वेश्चंस के टाइप्स को आपको समझना है कि इस प्रकार किस किस प्रकार के क्वेश्चन में इस ट्रिक को यूज करना है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। इफ 20% इंक्रीज इन वाटर देन कंजप्शन इज रिड्यूस बाई 20% देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन को इसमें ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, 20-20% की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना है, 20 square by 100, ठीक है, ये हो जाएगा 400 by 100 और हमेशा कमी आती है बोरों में, 4% कमी, ये ऐसा, कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि, तो सीधा सीधा कमी, 4% रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक, ये ऐसा है। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसी टाइप है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अनुज का वेतन 500 रुपए से 10% अधिक हो गया, एक महीने बाद वेतन 10% घट गया, इसके बाद उसका वेतन कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिया हूं, कितना सीरियल क्वेश्चन सर लेते हैं करके, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। अनुज सैलरी इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 500, आफ्टर 1 month द सैलरी डिक्रीज बाय 10%, आफ्टर दिस व्हाट विल बी हिज सैलरी। ये तो मैथ्स वालों के लिए बहुत ज्यादा ईजी है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में सभी प्रकार के स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा उनको टफ पड़ जाता है। देखो तो देखो यहां वेतन कितना था बोल रहा है वो, 500 रुपए था, 10% बढ़ गया मतलब 550 हो गया वो, इसका 10% कितना आएगा, 50 आएगा, तो 10% बढ़ गया मतलब 550 हो गया।
अब बोल रहा है फिर एक महीने बाद उसका 10% वेतन जो है घट गया एंड उस सैलरी इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 500 आफ्टर 1 month द सैलरी डिक्रीज बाय 10% फिर से 10% घट गया तो 500 तो नहीं होगा 10% फिर होगा तो क्योंकि इसका 10% वो घट रहा है यहीं पे कंफ्यूजन होता है इसका 10% वो घटा रहा है यानी कि ये 550 इंटू 10/100 हम लोग करेंगे ये आ जा रहा है 55 मतलब 550 माइनस 55 ऐसा वो कर रहा है 550 माइनस 55 ये कितना हो जाएगा 495 कितना हो जाएगा ये 495 ना कि 500 यानी कि कम हो गया पहले से ठीक है ऐसा वो कर रहा है तो क्वेश्चन में क्या पूछा इसके बाद उसका वेतन कितना होगा हाँ तो 495 हो जाएगा उसका वेतन साफ साफ ऐसा करने के बाद लेकिन ये सब करने के बजाय जो हमारा ट्रिक है वैसे तो ये भी छोटा है लेकिन मैं जो दिया हूँ स्टैंडर्ड उसको यूज करके देख लेते हैं 10% की बात किया है वो सीधा सीधा 10² / 100 ऐसा करेंगे यहां से कितना आता है 1% की कमी आती है कितनी आती है 1% की कमी आएगी तो 500 का 1% इंटू 1/100 ये हो गया 5 सीधा सीधा तो 500 में 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा वही छह किसी भी तरीके से निकालो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सब तरीके से वही आंसर आएगा ठीक वही है एक बार आप परसेंटेज को समझ गए फिर उसको आप जैसे तोड़ लो मरोड़ लो लेकिन आपके उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा समझ गए फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाकर अंकित करता है फिर उस पर 10% छूट देकर बेचता है तो बताइए उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा देखो मैं यहाँ पे लाभ हानि का क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ ये एक्चुअली में छूट बट्टा डिस्काउंट का जो है क्वेश्चन है ये लेकिन उसमें ट्रिक तो आपका परसेंटेज वाला ही इस्तेमाल होना है ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय इंक्रीज इन 20% पहले से 20% तो बढ़ा के लिख देता है फिर बोलता है कि मैं 10% डिस्काउंट देके बेचूंगा देन सेल्स इट ऑन 10% डिस्काउंट देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द ऑफ इट्स लॉस प्रॉफिट और लॉस ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो +20 10% डिस्काउंट देके बेचता है -10 प्लस ये 20% बढ़ाया है 10% कम किया है ऐसा हो जाएगा ये ऐसा कौन सा यूज किया हूं मैं ए बी और ए बी बाई 100 वो यूज कर रहा हूं ठीक है यहां से आ जाएगा ये 10 और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बच जाएगा 2 -2 ये ऐसा हो जाएगा ये आ जाएगा 8% अब पॉजिटिव आ रहा है मतलब 8% का क्या कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है 8% का क्या कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है इजी है ऐसा बनाना है ये परसेंटेज में ले लो या प्रॉफिट लॉस में ले लो चाहे डिस्काउंट में ले लो बनना चाहिए आपसे आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की अभी दोनों बढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये आपका एरिया का क्वेश्चन नहीं है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ठीक है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज बाय 10% इन द विड्थ ऑफ ये विड्थ वॉज इंक्रीज बाय 20% दोनों को बढ़ा रहे हैं ध्यान देना ना वॉट वुड बी द चेंज इन इट्स एरिया एरिया का आपको फार्मूला नहीं पता कोई जरूरत नहीं है कितना कितना बढ़ा रहा है वो 10 और 20 ऐसा कर लेंगे ये 10 और ये 20 ये यही है और ब्रैकेट इसलिए रखता हूं क्योंकि एक माइनस हो जाता है तो ब्रैकेट रखना पड़ता है और ये ऐसा सीधा सीधा दोनों बढ़ रहा है मतलब बढ़ेगा जाहिर सी बात है दोनों बढ़ रहा है मतलब बढ़ेगा ये 30 और यहां से आ गया ये 2 आ गया ये मैं 3 लिख लिया था 2 32% वो बढ़ जाएगा उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा पहले से 32% इजी है ऐसे ही इसको बनाना है दोनों बढ़ रहा था ना चलिए अब यहां पे दोनों कमी कर रहे करके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10-10% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज्ड या डिक्रीज बाय 10% एंड 10% देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एरिया अभी देखो यहां पे एक चीज है 10% आपको दिख रहा था सीधे सीधे आपके माइंड में क्या आ जाएगा 1% आ जाएगा क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर बताया हूं लेकिन एक्स स्क्वायर कब का है जब एक घटता है और दूसरा बढ़ता है जब एक घटता है और दूसरा बढ़ता है या बढ़ता घटता दोनों वाला होना चाहिए इसमें दोनों को दोनों कमी दिखाया गया है सीधा सीधा दोनों कम हो रहा है बोल रहे तो यहां हम लोग ए बी यूज करेंगे -10 हो रहा है फिर से -10 हो रहा है प्लस ये -10 हो रहा है इंटू मैं और कर लेता हूं यहां पे
फिर से ये माइनस 10 हो रहा है, दो बार हो रहा है माइनस माइनस, दोनों बार वो कमी कर रहा है, घटा बढ़ा नहीं रहा, नहीं तो एक्स स्क्वायर लगा लेते हम, ठीक है। मेरे एक्सप्लेनेशन को बीच बीच में सुनते रहिए, वही काम आता है। ये माइनस 20 हो गया यहां से, अब ये माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 कैसे हुआ मत पूछना, बहुत दुख लगता है ऐसा क्वेश्चन सुन के। और ये कैंसिल कर लिया मैं, कितना हो जाएगा ये देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है और ये मल्टीप्लाई है, वो हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा 1%, ठीक। यहां से आ जाएगा ये माइनस 19%, क्या आ जाएगा माइनस 19%। कई लोग माइनस प्लस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन नहीं जानते हैं, लेकिन उनको जानना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये और बहुत इजी चीज है, ठीक है। कभी समय मिला तो इस पर भी मैं एक क्लास लगाऊंगा कि माइनस प्लस का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, बहुत इजी है वो, ठीक। इजी है तभी तो मेरे को आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, ए रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। इधर मेरे में है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर उस पर 20% की छूट देकर बेचता है, तो उसके कितने प्रतिशत का लाभ या हानि मिला। अभी उल्टा हो गया ये, 10% बढ़ाकर अंकित करता है 10, फिर बोल रहा है कि उसमें 20% की छूट देकर बेचता है। छूट क्या होता है, माइनस होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा कर लेते हम लोग माइनस 20/100, ठीक है। ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, हाँ ठीक है माइनस 10, ये ऐसा हो गया प्लस, ये यहां से ऐसा कैंसिल हो जाएगा। अब ये बीच में माइनस है तो कैंसिल कर दिए, ऐसे सवाल करेंगे कई लोग, ये माइनस इसके साइन को बता रहा है, यहां पे एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया, तो माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12, माइनस 12%, यानी कि उसको 12% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया 12% लॉस। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, ठीक है, कैसे भी कर लेता होगा वो, बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, दोनों टाइम बेईमानी कर रहा है वो, इस स्थिति में उसके लाभ का प्रतिशत क्या, जाहिर सी बात है उसको लाभ होगा। अ शॉपकीपर फॉल्सिफाइज 10% ऑन द गुड्स व्हाइल बाइंग एंड ऑल्सो सेल्स डिसऑनेस्टी ऑफ 10% व्हेन सेलिंग, इन दिस केस व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट, ठीक है। 10% की बेईमानी और 10% की बेईमानी दोनों समय वो कर रहा है, एक ही टाइप से कर रहा है, मतलब दोनों समय पर उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो 10 और 10 ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत इजी रहता है, मेन वर्ड्स को समझना है आपको, इसीलिए मैं वैसा ही क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आ रहा हूं। ऐसा आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि सर वही वही क्वेश्चन तो बता रहे हैं, इसको बना लेंगे, ऐसा नहीं है। वर्ड्स एग्जाम में जब ऐसा आता है तो क्लिक नहीं करता है कि कैसे बनाना है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता हूं। हो जाएगा 1, ये 21% का उसको फायदा हो जाएगा, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, दीपक के वेतन में 20% की कमी की गई, इसके बाद उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई, सेम हो रहा है इसमें। दीपक का नया वेतन पुराने वेतन से 400 रुपए कम है, तो दीपक का मूल वेतन कितना था आपको बताना है, कितनी कमी और वृद्धि की गई 20% की, तो यहां पे सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा 20² / 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4%, और मैं हमेशा बताया हूं कि ये कमी होता है, जो 4% की क्या है, कमी हो रही है। और यहां पे साफ साफ दिया है दीपक का वेतन मूल वेतन से 400 रुपए कम है। द सैलरी ऑफ द दीपक वॉज रिड्यूस बाई 20% एंड आफ्टर सम टाइम हिज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 20%। इफ द न्यू सैलरी ऑफ द दीपक इज लेस देन 400 फ्रॉम द ओल्ड सैलरी, व्हाट विल बी द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द दीपक, द दीपक लिखो, दीपक आएगा, ठीक। तो 4% रिडक्शन हो रहा है, वही जो 4% है वो क्या बोल रहा है, वो 400 बोल रहा है, मतलब x का 4% ये निकाला हूं मैं, क्या बोल रहा है वो 400, वही तो दिया हुआ है, उतने ही चेंजेस आ रहे हैं। तो x जो उसका ओरिजिनल सैलरी है वो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 100000, ठीक है, ₹10,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इजी है। मैंने आपको समझना है, फिर उसके बाद यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो जा रहा है, एक स्टेप और चलना है, छोटा छोटा ही रहता है, ठीक, तो उसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 10% बढ़ने के बाद 5% कम हो गया,
पुस्तक के मूल्य में प्रभावी परिवर्तन कितना है? द वैल्यू ऑफ ए बुक डिक्रीज बाई 5% आफ्टर इंक्रीजिंग 10%. 10% पहले बढ़ा, फिर 5% कम. वॉट इज द इफेक्टिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ बुक? वही है, 10 बढ़ा है, 5 कम हुआ है. 10 बढ़ा है, इसको भी ब्रैकेट में लेता हूं, 5 कम हुआ है. इफेक्टिव चेंज हमको निकालना है, ऐसे ही निकलता है इफेक्टिव चेंज. ठीक है, यहां से आ जा रहा 5 और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कर ले क्या, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, हमको -50/100 ये माइनस हो जाएगा और ये 50/100. तो 50/100 मतलब ये 0.5 की बात कर रहा है, ये 5 - 0.5 आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, 4.5% इंक्रीज हो गया, वो ऐसा आएगा. ठीक, सॉल्यूशन को आप धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे. मेन तो मैं इस स्टेप को बताया, उसके बाद आपको खुद चलना चाहिए आगे, ये नहीं कि फिर ये कैसा है या ये कैसा है, इस स्टेप के बाद आपको खुद करना चाहिए. ठीक, चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, बहुत लोग इसे नहीं बना पाए. ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 8% की दर से वृद्धि की गई एवं नए दाम में 8% की दर से कमी की गई या कम किया गया. नवीनतम कीमत 1 रुपये थी, तो वस्तु की मूल कीमत कितनी थी आपको बतानी है. ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना है, ऑप्शन में जो भी दिया है उसके हिसाब से आंसर लेना है. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाई 1%, देन द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 1%. इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज ₹1, देन द ओरिजिनल प्राइस वॉज. देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जमा लिए अपने मन से तब तो फिर आप सीख गए. ओरिजिनल जो प्राइस था वो उसको हम लोग पी मान के चलते हैं. क्या मान के चलते हैं? पी मान के चलते हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, 8% की दर से वृद्धि की गई, वृद्धि की गई 8% की दर से, तो 100 कितनी वृद्धि की गई, 8% की वृद्धि की गई डिवाइडेड बाई 100, इतना हो गया. अब इतना हो गया वो, ठीक है, इतना हो गया. अब फिर बोल रहा है कि वो 8% की दर से कमी की गई. अब इसके बाद कमी की गई 100 - R/100, ऐसा वो कमी कर दिया, तब जाके वो 1 रुपये हुआ, ऐसा इसका कहना है. तब जाके वो कितना हुआ, 1 रुपये हुआ, ऐसा इस क्वेश्चन में कहना है. इस क्वेश्चन को और ध्यान से आप पढ़ेंगे, फिर इसको देखेंगे आप लोग, 2-3 बार ऐसा करेंगे, इसको समझिए, यही इंपॉर्टेंट है, आगे तो कुछ नहीं है इसमें. ठीक, अब इसमें इसको हमको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पी 100 + R 100 - R, ठीक है, -R, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 10,000, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ऐसा ही तो होगा ना, कि मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल वैसा होगा. ठीक है, ये a + b a - b, तो ये फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² - b² यानी कि 100² - R², ये इसको रख लेते हैं ऐसा, और ये 10,000, ये ऐसा हो गया a² - b² और इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10,000 100² - R² और ये 10,000. तो P यहां से क्या आ जाएगा, ये 10,000 इधर रख लेते हैं, ये कौन सा 10,000 है, इधर वाला, और ये नीचे आ जाएगा, ये -R², ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, देखेंगे. हाँ बिल्कुल, ऑप्शन यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है सी, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा. सॉल्व करते चले जाइए, आपको आंसर मिलेगा. ये क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत लोगों ने इसे नहीं बनाया. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों ने बना लिया. अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे छोटा सा क्वेश्चन है. एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी. इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%, देन व्हाट परसेंटेज विल इंक्रीज इन एरिया ऑफ द स्क्वायर. देखो यहां पे स्क्वायर की बात कर रहा है वो. स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि सारे साइड्स क्या है, इक्वल होते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज को छोड़ दो, सारे साइड्स इक्वल होते हैं.
इसलिए वो सीधा सीधा भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो उसको ये नहीं करना कि बाकी को क्या करते हैं, कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो सब बढ़ेगा क्योंकि सब इक्वल रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो साइड की बात कर रहा है। तो यहां पे बढ़ रहा है तो 10 + 10 और ये 10 × 10 सब बढ़ रहा है, उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होगा, ये चेंजेस आएगा 20 और यहां से आ जाएगा +1 तो 21% क्या आ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। 21% क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इजी है, ठीक। अभी चलिए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज 2 times सक्सेसफुली 10% ईच टाइम, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। ये थोड़ा सा अलग है। एक वस्तु की कीमत लगातार 2 बार 10% की वृद्धि की गई, क्रमागत 2 बार 10% बढ़ा दिया गया। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। 10-10% 2 बार बढ़ाया गया है, ठीक है। अब वापस उसको लाना है तो पहले कितना बढ़ गया उसको देखते हैं। 10-10% 2 बार 10%, फिर 10% बढ़ा है तो 10 और यहां पे × 10 और ये 100, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से 20 + 1 21% तो बढ़ गया, वो 21% तो बढ़ गया, मतलब 100 रुपए का जो चीज था वो 121 रुपए में मिल रहा है। अब उसको वापस 100 करने के लिए कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 21 हो गया है, वो कहां से 21 हुआ, 100 से 21 हुआ है, इतना परसेंट घटाएंगे तो वापस हमको 100 मिल जाएगा। ये वही है कमी करने या वृद्धि करने जो पहला पार्ट में देखे थे हम लोग, ठीक। अब इसको देख लेंगे, ये 21 अरे 121 × 100, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। कभी कभी आ जाता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा चीज मिलेगा कि उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 00, यहां से 121, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 17.36%, इसको करना पड़ेगा, ठीक। करोगे तभी मिलेगा ये, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये हमारा आंसर नहीं है, उसके बाद एक स्टेप और है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, उसको भी देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो सके। ऐसा ही है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड सो टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 20% पहले बढ़ाए फिर बाद में 20% बढ़ाए, तो कुल मिला के कितना प्रतिशत बढ़ गया, वो इतना प्रतिशत बढ़ गया। कुल मिला कितना प्रतिशत बढ़ गया, वो इतना प्रतिशत, ये हो गया यहां से 40 और ये हो जाएगा 4, मतलब 44% वो बढ़ गया है। अब वापस उसको लाना है, वापस लाना है तो ये 44 100 प्लस 44 इंटू 100, इस चीज को ध्यान में रखना है। ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, बहुत सारी चीज आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिखा, 35/9, 19/11/31, 40% 44%, तो 40 44 तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये कोई टफ फ्रैक्शन आएगा, ए और बी दोनों में से एक आंसर आएगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 ऐसा करके और ये 144। तो ऑप्शन के हिसाब से में इसमें देखेंगे तो ये 19 वाला जो है उसको कैलकुलेट करके देखोगे, वापस कैलकुलेट करके देख सकते हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है 19 × 31 + 11 करके देखो जो ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगा, वो है 35/9%। क्या करेंगे इसको, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है, या एक एक स्तर तक कैंसिल होगा कुछ, उसके बाद ऐसा आएगा, ठीक। तो ये दो जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग टाइप से था। एक और क्वेश्चन है जो मेरे पास रह गया है, उसको ही बताता हूं मैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%,
द नंबर इज सो ऑप्टन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर द नंबर इज, ऐसा एक क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, ठीक है। रिडक्शन क्या है, घटाया और बढ़ाया जाता है, मतलब सीधा सीधा 10 की बात कर रहा है ये, तो 10² / 100 ये 1% क्या आ गया, कमी आ गया, 1% की कमी आ गई। यह जो कमी है वो 50 है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ओरिजिनल नंबर ये 1/100 ये है, 50 है दिया हुआ है, तो ओरिजिनल नंबर यहां से सीधा सीधा आ जाएगा 5000। इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज को धीरे धीरे मन में बैठाते चले जाना है, लास्ट पार्ट आते आते परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है यूट्यूब में आप दूसरे चैनल भी देखते होंगे, उसमें से आपको परसेंटेज के कई सारे ट्रिक क्वेश्चन मिले होंगे। मैं स्टार्ट किया हूँ टॉपिक, तो मैं पूरा का पूरा सभी टाइप को लेकर चलूंगा, ऐसा नहीं कि जो इंटरेस्टिंग है उसको बता दिया, जो बोरियस उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करूंगा मैं। मेरा वही है चैनल में कि आपको शुरू से लास्ट तक यदि आप फॉलो करते हैं सीरीज के कोई भी टॉपिक को, तो पूरा का पूरा टाइप मिल जाएगा, पूरा का पूरा तो 90% तो मिल ही जाएगा, 10% का दुक्का जो नया नया क्वेश्चन जनरेट होते रहता है वो छूट जाता है, ठीक है, बाकी तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए शुरू शुरू के पार्ट्स इजी होते हैं, फिर टफ होते जाते हैं, तो कई लोग बोलते हैं सर टफ पढ़ाओ, तो सब ध्यान नहीं देना है, आप बस देखते चले जाइए, अपने आप क्लियर होते चले जाएगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स क्लिक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।